परम आदरणीय भारत की उच्चतम न्यायालय के भारतीय पक्ष को, सनातन पक्ष को बड़ी शक्ति के साथ, ताकत के साथ रखने वाले अधिवक्ता सम्माननीय अश्विनी जी उपाध्याय, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की विधानसभा में मुखर होकर बोलने की अपेक्षा के साथ हमारे बीच में विराजमान सम्माननीय विधायक महोदय और इस क्षेत्र के तो हमारा प्रतिनिधि ही वो हैं। ये मानस भवन उनके अधिकार क्षेत्र में ये बसता है। ऐसे श्रीमान आदरणीय भगवान दास अबनानी जी, और सर्वप्रथम जिनका वक्तव्य सुना, बड़े अध्ययन के साथ, तथ्यों के साथ उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया, और ये नाम बड़ी सरलता से याद रखा जा सकता है, क्योंकि ये निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के साथ जुड़ा हुआ नाम है। विवेकानंद जी के विचारों को जिसने भारत में विदेश से आने के पश्चात भी, वहां से पली बड़ी होने के बाद भी स्वामी जी के विचारों को आगे बढ़ाया, और जब वो बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि निवेदिता का कुछ अंश इसमें भी है। यहां उपस्थित सभी सुधी श्रोता बंधु, आज जो यहां प्रतिष्ठित श्रोता हैं, वे केवल श्रोता नहीं हैं, वो चिंतन मनन और विचारशील राष्ट्रभक्त लोग बैठे हैं, और ऐसे लोगों के बीच में कोई भाषण नहीं होता, संवाद होता है, हृदय के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। और जब हमने ऐसे श्रेष्ठ विचारवान व्यक्ति को यहां बुलाया, तो अब मुझे अध्यक्ष बना दिया था ना, तो मैंने सोचा कि अध्यक्ष के अधिकार का उपयोग क्यों ना कर लूं, इसलिए मैंने उनको रोक दिया कि पहले मैं बोलूंगा और उसके बाद अश्विनी जी बोलेंगे। तो अध्यक्ष ही उद्बोधन मैंने अपने अधिकार से अतिक्रमण करके, अतिक्रमण विषय है यहां, मैंने कहा पहले मैं अपने विचार व्यक्त कर लूं, अश्विनी जी को मैं भी सुनना चाहूंगा, और उनके बाद फिर मुझे बोलना मुझे ठीक प्रतीत नहीं हुआ, और इसलिए मैंने संचालक महोदय को क्षमा करें, वो मैंने रोका कि अब व्यवस्था मेरे जिम्मे है, अध्यक्ष परिवर्तन कर सकता है। तो अध्यक्ष ने अपनी अध्यक्षता का वक्तव्य पहले देने का परिवर्तन किया, आप सबकी अनुमति से मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा, मैं भी अधिक समय नहीं लूंगा, किंतु अधिक समय हमें सुनना है, इसलिए कोशिश करूंगा कि 5-10 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अभी जब हिंदुस्तान समाचार का प्रतिवेदन आप दे रहे थे मैंग, तो एक बात उन्होंने कही कि आजादी के बाद 1948 में एक दुर्घटना घट गई और महात्मा गांधी को एक अत्यंत उत्तेजित व्यक्ति ने वध करके और स्वयं को समर्पित कर दिया। जिस व्यक्ति ने यह पाप किया
उसने कुछ भी सोचा हो, लेकिन उससे इतना बड़ा अपराध हुआ कि महात्मा गांधी भी गए और भारत के भविष्य की विचारधारा जो तेजी से उभर करके राष्ट्रभक्ति का संदेश देने के लिए पारावार की तरह से बढ़ रही थी, उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया और राष्ट्रभक्ति की विचारधारा को कुचलने का कुत्सित प्रयास वहां से कुछ षड्यंत्रकारियों ने किया और वो उसमें सफल हो गए। गांधी हत्या के बहाने देशभक्ति की बहती हुई गंगा को रोक दिया गया, उसको सुखाने का प्रयत्न किया, लेकिन देशभक्ति की गंगा कभी सूखती नहीं है, वो तो सदैव प्रवाहमान है और इसलिए निरंतर प्रवाहमान उसकी धारा भले ही कमजोर हो गई, लेकिन बाद में वह धारा बढ़ती चली गई और आज उस धारा में से अनेक लोग यहां विद्यमान हैं जो उस धारा में आप्लावित होकर अपने आप को परिष्कृत करके और यहां विराजमान है, अपनी बुद्धि का परिष्कार और अपने स्वयं का परिष्कार। अभी कानून की भी बात हो रही थी, कानून बदलते रहते हैं। अभी बहन निवेदिता कह रही थी कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, कानून आएंगे जाएंगे, बदले जाएंगे, ये सब संभव है और होता रहता है, प्रकृति का ही नियम है, लेकिन राष्ट्रभक्ति कभी नहीं बदलती, वो नित्य निरंतर चिंतन चिरंतन है, सनातन है और नित्य नूतन है, दोनों बातें हैं। विरोधाभासी हो सकती है कि नित्य नूतन भी है और सनातन भी है, लेकिन जैसे मां के प्रति श्रद्धा कभी बदलती नहीं है, मां मां रहती है, जीवन भर रहती है, वो वृद्ध हो जाए, तरुणी हो, किसी भी अवस्था में हो, मां मां रहती है और वत्स वत्स रहता है, बेटा बेटा रहता है। उसी प्रकार से यह भारत देश हमारी माता है, इसको जगत जननी के रूप में हमने स्वीकार किया है, हमने केवल अपनी माता नहीं माना, हमने ये कहा कि यदि भारत जगत गुरु था तो ये भारत माता जगत जननी है और जगत जननी के श्रद्धा के रूप में हम सब लोग उसके पुत्र के रूप में उसके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। यह जो भारत वासियों का भारत माता के प्रति प्रगाढ़ संबंध है, ये कभी टूटने वाला नहीं है। जब तक इस सृष्टि में पृथ्वी है, चांद और सूरज है, तब तक भारत भक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। मित्रों, बातें बहुत है और मैं जरा बोलने में अतिक्रमण कर जाता हूं, लेकिन अंतःकरण से जब कोई बात प्रस्फुटित होती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। भगवान दास जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्या कब्र क्या है बोला था आपने, वक्फ बोल्ट, अब आप विधायक हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा जाम कर देना, वक्फ बोर्ड के अधिकार सीमित किए जाए, बाहर बोलना अच्छा लगता है लेकिन वहां बैठकर अधिकार पूर्वक विधेयक लाकर, प्राइवेट विधेयक लाकर के और बाकी लोगों का समर्थन प्राप्त करके वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। अब वक्फ बोर्ड का मतलब आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। सरकार ने वक्फ बोर्ड के लिए जहां कब्र है, जहां कोई हरा झंडा है, कब्र है या कोई और उनकी निशानी है, उसको मजार, अब मेरे को अब उनसे संबंध नहीं है इसलिए ये याद नहीं रहते हैं शब्द,
ये मजार और कब्रगाह मध्य प्रदेश शासन का एक सर्कुलर है, भगवान दास जी नोट कर लो। वो सर्कुलर में ये लिखा गया है, वो जारी हुआ है और आपकी सरकार में हुआ है भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, कि जहां पर भी कब्र होगी, मजार होगी या अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पूजा स्थल या उनका क्षेत्र होगा, वह रकबा नंबर, राजस्व का वह रकबा नंबर उस नाम पर चढ़ जाएगा और वह वक्फ बोर्ड का होगा। ये बात मेरे सामने जब आई, मैं एक घटना बता करके अपनी बात को सीमित करूंगा। मंदसौर जिले में हमारे प्रांत के संघ चालक विमल कुमार चौरड़िया रहा करते थे, उनके खेत के वहां पर एक कब्र थी और उनके खेत के वहां कब्र थी, उनके खेत का नंबर, कब्र का नंबर एक ही था। पटवारी ने उनका पूरा खेत उस कब्र के उसमें चढ़ा करके वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी। जब उन्होंने बताया, मैं तहसीलदार से मिला, उस समय के कलेक्टर से मिला, तो कलेक्टर थोड़ा जांबाज था मेरे जैसा ही, उन्होंने कहा कि जितनी लंबाई चौड़ाई उस मजार की है, कब्र की है, उतनी ही वोट रहेगी उसका बटा नंबर करके, बाकी सब संघ चालक जी की जमीन है, निजी जमीन उनकी रहेगी, कब्र की इतनी ही जमीन रहेगी। और पूरे मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश से अलग हट करके मंदसौर जिले में उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके सारे पटवारियों को कहा कि जहां भी मजार के नाम पर पूरा सर्वे नंबर वक्फ बोर्ड का लिखा है उसको कम करके, उसको नाप करके उतना ही कर दिया जाए। और कलेक्ट्रेट में एक मजार थी, कलेक्ट्रेट में, उस समय कोई मारा गया होगा तो वहां एक मजार थी, उस मजार के नाम पर पूरी कलेक्ट्रेट का सर्वे नंबर हो गया था। कलेक्टर महोदय के नाम ध्यान में यह भी आया और वह सर्वे नंबर हटा करके उन्होंने 30x20 की क्षेत्रफल निकाल करके और नक्शा बनवा करके दिया कि ये आपकी है, रास्ता भी लेना है तो हमारी अनुमति ले, नहीं तो वहां पहुंच नहीं पाओगे। पर ऐसे कलेक्टर, ऐसे अधिकारी, ऐसे विधायक, ऐसे प्रशासक, ऐसे शासक कम ही होते हैं, तो छुपती हुई बातें रहती है, लेकिन ये सच है। मैं बहुत सारी बातें मैं कह नहीं पाऊंगा। अभी हिंदुस्तान समाचार समिति का की बात करते हुए, उसके गठन की बात करते हुए आपने कहा कि 1948 में यह संस्था गठित हुई। सामान्यतः 1947 के बाद मीडिया के ऊपर देश के दुश्मनों का और वामपंथियों का कब्जा हो गया था। हम लोग आजादी के आंदोलन में लगे रहे, देशभक्त आजादी के आंदोलन में, भारत को स्वतंत्र कराने में लगे रहे और उन्होंने मीडिया पर कब्जा कर लिया वामपंथियों ने। उस कब्जे को ध्यान में रखकर हमारे कुछ देशभक्त दूरदर्शी व्यक्तियों ने विचार किया कि देशभक्तों के विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, मीडिया में भी एक ऐसी संस्था चाहिए जो भारत का गुणगान करने में समर्थ हो, और इसलिए इस हिंदुस्तान समाचार एजेंसी की स्थापना हुई। एक साल पहले भारत का विभाजन हुआ था, उस समय की जो जनगणना थी वो भारत की जनसंख्या उस जनगणना के आधार पर और कुछ कैलकुलेट करके लगभग 35-36 करोड़ पूरे देश की जनसंख्या थी। भारत विभाजन के बाद हमारे हिस्से में इतनी जनसंख्या आई थी
और उस जनसंख्या में 33 करोड़ हिंदू थे और 3 करोड़ मुसलमान थे। उसका यदि प्रतिशत निकालते हैं तो 92% 92% हिंदू और 8% मुस्लिम्स। उसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र भारत की सरकारों में धर्मनिरपेक्षता नाम की एक बीमारी लग गई जो आज तक चल रही है, वो सब नेताओं को लगी हुई है। जैसे ही राजनीति में आया वो अपने सिद्धांतों को दरकिनार कर देता है और दाढ़ी वाले के पास पहले पहुंचता है, मूंछ वाला दिखाई नहीं देता। पहले वो हमारे होली मिलन दिवाली मिलन समारोह होते थे, वो समारोह बंद हो गए। आजकल के जनप्रतिनिधि ये समारोह नहीं करते होली मिलन दिलन, लेकिन रोजा अफ्तारी में चले जाते और सबसे पहले जाके बैठते। अब उनने पहले से थूक रखा है कि क्या कर रखा है भगवान जाने, पर उसका उद्घाटन हमारे राजनेता ही करते हैं उस निवाले का। और इस धर्मनिरपेक्षता की गंदी हवा में पलते पलते आज भारत में 74% हिंदू और शेष मुस्लिम और ईसाई। अब ईसाइयों ने तो एक बड़ी भारी बात की है, और वो बड़ी भारी बात ये की है कि नाम वाम रखने की जरूरत नहीं, अब नाम वही रहेंगे जो हमारे पुरोहित जी ने तय किए हैं, नाम वही रहेंगे ताकि भ्रम फैला रहे। केवल ये कहते हैं कि आप चर्च में जाओ, मरियम माता के बेटे को प्रणाम करो, उसके अनुसार चलो, आपका नाम यही रहेगा, लेकिन अब आप हिंदू नहीं हो, हिंदू नाम चलता रहेगा। हमारे यहां छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जब वो कलेक्टर थे तब एक आध बार मेरी बात हुई, तब मुझे मालूम पड़ा कि वो श्रीमान क्रिश्चियन है, ईसाई है, और उनके पितामह हिंदू थे, उनके बाप ने धर्म बदल लिया था और अब ये कट्टर ईसाई हो गए। अब ये कट्टर शब्द का आजकल बड़ा विवाद चल रहा है, कोई कट्टर ईमानदार बनता है तो कोई कट्टर मुसलमान बनता है तो कोई कट्टर हिंदू बनता है, लेकिन हम हैं कट्टर देशभक्त, हमको इसका अभिमान। अब इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र लेखक है, विद्वान है, उन्होंने कहा यह कट्टर शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, देशभक्त पर्याप्त है, कट्टर काय को लिखना। मैंने कहा इसके लिए एक अपन वाद विवाद प्रतियोगिता रखेंगे, उसमें आप भी बोलना हम भी बोलेंगे। मित्रों, ये जो जनसंख्या 1950 के बाद में बदली, डेमोग्राफी बदलती जा रही है, एक षड्यंत्र हुआ परिवार नियोजन का, और आग्रह पूर्वक पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के लोगों की जबरन नसबंदियां की। आपातकाल में तो पकड़ पकड़ करके इच्छा के विरुद्ध ले जाते थे, काट देते थे, जबरन। और उसका परिणाम यह हुआ कि हम दो पर आ गए, घर में बच्चे दो ही अच्छे नारा लगाया, और उसके बाद फिर कहा कि एक ही बहुत है। अरे तुम कैसे लोग हो यार, मूल को भी खा रहे हो, दो के तीन करो तो समझ में आता है कि तुमको दुनिया में भेजा तो तुमने कुछ न कुछ
परमात्मा की देन को आगे बढ़ाया। लेकिन दो का दो तो हिसाब बराबर, मूल पूंजी कोई कमाई उमाई नहीं है तुम्हारी, और दो का एक तो मूल पूंजी भी खा गए। इस रेशो से आप 2045 में घट करके ये 72% से 73% से घट करके आप 42% रह जाने वाले हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो 48% पर पहुंचेंगे। फिर तुम्हारी क्या गति होगी वो देखना हो तो कश्मीर में देखो, बांग्लादेश में देखो, अपने ही हिंदुस्तान के केरल और आसाम में जाकर के देखो, अपने ही ममता दीदी के राज में जाकर के देखो, तो समझ में आ जाएगा। कोई हिंदू ठीक से सम्मान के साथ जी नहीं सकता, कोई माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। 2045 का नक्शा इसी प्रकार का होगा, और इसलिए षड्यंत्र ये आज से नहीं, आजादी के बाद से ही ये षड्यंत्र चला है। अब पहले तो जनसंख्या कम कर दी, अब उन हिसाब से जनसंख्या कम करने के बाद कुछ नए नए पप्पू जैसे नेता पैदा हो गए हैं, एक दो नहीं कई नेता पैदा हो गए हैं जो उसी के पथ पर चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो अखबारों में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, निर्लज्ज होकर के बोल रहे हैं, बेशर्म होकर के बोल रहे हैं। उनको कैसे देशभक्त कहा जा सकता है जो भारत का भावी विभाजन करने के लिए तैयार बैठे हैं? वो गद्दार हैं, वो देशघाती हैं, वो सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, और इस षड्यंत्र को हम सबको समझना पड़ेगा। जब तालियां बजती है तो मैं यदि चार लोगों को पूछ लूं खड़े करके, क्योंकि ये कोई श्रोताओं की भीड़ नहीं है, ये बुद्धिजीवी है, देशभक्त है, मैंने पहले कहा है कि भैया तुम्हारे घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है कि नहीं है? नहीं है राम, मेरे यहां तो खाली राम है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात का? अरे यार जो राम कर गए वो तो कर जाओ, मेरे भले आदमी दशरथ जी ने जो किया वो तो कर जाओ यार, ऐसा क्या करते? हर परिवार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। यदि देश बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, तो यह करना पड़ेगा, करना चाहिए। बहुत एग्रेसिव बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सभ्य बनने की आवश्यकता नहीं है, तुमको असभ्य कहे तो कह लेने दो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो कुछ निर्णय आपको करना पड़ेंगे, और नहीं करोगे तो फिर आपकी मर्जी भाई, मैं तो क्या कह सकता हूं, यही कह सकता हूं। एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे भी अश्विनी जी को सुनना है। क्या कभी आपने सोचा विचार किया? मैं ये कभी कभी बहुत अच्छे जो नेशनलिस्ट होते हैं वो सोशल मीडिया का बड़ा सुंदर उपयोग करते हैं, दुरुपयोग भी करने वाले करते हैं पर सुंदर उपयोग करते हैं। तो मैं जब आज आ रहा था तो एक सोशल मीडिया पर मैंने संदेश पढ़ा, तो मैंने उसका प्रिंट निकाल लिया, बस वही पढ़ करके, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है, अश्विनी जी का जितना समय उसका दूना भी ले लूंगा तो बातें पूरी नहीं होगी। लेकिन मेरी स्वयं की इच्छा है, मैं पहले भी अश्विनी जी को सुन चुका हूं, एक कार्यक्रम में उनके साथ रहा हूं, ये दूसरा कार्यक्रम है। मस्जिद बनाई, काय के लिए बनाई? इबादत करने के लिए, हथियार रखने के लिए, हथियार रखने के लिए। आप आज भी आप किसी में दबिश डाल दो बिना सूचना के, जखीरा आ जाएगा सामने।
मस्जिद बनाई हथियार रखने के लिए, मदरसे बनाए ट्रेनिंग देने के लिए, बुरका बनाया पहचान छिपाने के लिए, टोपी बनाई पहचान बनाने के लिए, बकरे कटवाए निर्दयी बनने के लिए, मातम मनाया खून खराबे के लिए, कब्र बनाई जमीन हथियाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाई देश पर कब्जा जमाने के लिए, आतंकवादी बनाए डराने के लिए, लव जिहाद का माहौल बनाया हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए, और झूठा भाईचारा दिखाया हिंदू भाइयों को चारा बनाने के लिए। ये किसी न किसी चिंतक ने, विचारक ने लिखा है, और फिर उसने आगे लिखा, कृपया सजग रहें, सचेत रहें। अब मैं तो यहां से पढ़ के सुना रहा हूं, अब आपकी मर्जी, उसके बाद भी सजग नहीं रहो, सचेत रहो तो रघुनंदन क्या कर लेगा आपका, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसने हमसे भी कहा है कि नेता चुनिए, तो नेता हिंदू चुनिए, वकील हिंदू चुनिए, इंजीनियर हिंदू बनिए, बीए हिंदू, सीए हिंदू चुनिए, सब्जी वाला हिंदू चुनिए, मोबाइल रिचार्ज हिंदू चुनिए, मेडिकल स्टोर वाला हिंदू चुनिए, दूध डेयरी वाला हिंदू चुनिए, प्रिंटिंग प्रेस हिंदू चुनिए, दूध वाला हिंदू चुनिए, स्टेशनरी स्टोर्स वाला हिंदू चुनिए, कपड़े का शोरूम व दुकान हिंदू चुनिए, इलेक्ट्रिकल स्टोर हिंदू चुनिए, कृषि सेवा केंद्र वाला भी हिंदू चुनिए, ट्रेवल बुकिंग वाला भी हिंदू चुनिए, फ्लोर मिल वाला भी हिंदू चुनिए, किराना स्टोर वाला भी हिंदू चुनिए, हार्डवेयर वाला भी हिंदू चुनिए, जेरोक्स सेंटर हिंदू चुनिए, होटल हिंदू की चुनिए, डॉक्टर हिंदू की चुनिए, LIC हिंदू, एजेंट हिंदू की चुनिए, सब्जी और फ्रूट वाला भी हिंदू चुनिए, राजमिस्त्री हिंदू चुनिए, मिठाई की दुकान हिंदू चुनिए, सभी चीजों के लिए हिंदू व्यापारी को चुनिए। और उसने अंत में लिखा कि मेरी बात अच्छी लगे भली लगे आपने सही, आपकी संतानों को तो कह दीजिए। बड़ी सुंदर बात उसने कही कि आपने सही आपकी संतानों को तो ये बात बता दीजिए। मैं सोचता हूं कि आप सब लोग इस पर अवश्य विचार करेंगे, और मेरी बहुत सारी बातें माननीय विधायक महोदय को इनकी सरकार के लिए मैंने कही है, क्योंकि मेरी पार्टी की सरकार थी 10 साल, अभी भी चल रही है केंद्र में, लेकिन 10 साल मिट्टी में मिल गए। समान आचार संहिता हम बना सकते थे, अब रो अपने बाप को, बहुमत भी नहीं मिला, अवसर हाथ में बार बार नहीं आता है, और उस चमड़े का सिक्का चलाने वाले से सीख लेते कि 3 दिन का अधिकार मिला, चमड़े के सिक्के चला दिए, और हमको 10 साल मिले और हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, रोते रह गए, और थोड़ी आ जाए, और थोड़ी आ जाए। जो कुछ भी, समय बार बार नहीं आता हाथ में, और इसलिए मैंने आदरणीय भगवान दास जी फंस गए आज यहां, तो मैं इनको बार बार कह रहा हूं, ये जरा ये वक्फ बोर्ड का नियम बदलवाओ, सरकार को कहकर, अरे हाँ ये तो खाली सरकार में नहीं है, पार्टी के भी हैं, सर्वे सर्वा, इन्हीं के अनुसार चलता है सारा काम, जरा पार्टी को भी इस काम में लगाओ। हम केवल सदस्य बनाने के लिए, कमेटियां बनाने के लिए, अध्यक्ष महामंत्री बनाने के लिए नहीं है भाई साहब, हम देश बनाने के लिए हैं, सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए हैं, और सनातन संस्कृति कमजोर होती जा रही है। दस साल हमने कहीं कमजोरी की तो सर जनता नाराज हो गई थी, तो हमारे हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया था, जाओ बाहर बैठो बाहर, 10 साल तक तुमने कुछ नहीं किया, 15 साल तक। फिर साल डेढ़ साल में समझ में आया, जनता को कह रहे ये इससे तो अच्छे वो ही थे, तो ये परीक्षा ली है कि ये 5 साल आपको दिया है तो आप कुछ सनातन संस्कृति के, धर्म के लिए, देशभक्तों के लिए कर जाओ कुछ ना कुछ अच्छे काम, कम से कम वक्फ बोर्ड को ही ठिकाने लगा जाओ। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, उन सब कानूनों को आप ठीक करो, तो क्या बता रहे थे, तो इसकी विधि बता दे।
हाँ कुछ तो मैं ही बता रहा हूं, वक्फ बोर्ड कानून, मदरसा बोर्ड कानून, माइनॉरिटी कमीशन, असम बंगाल एक्वाड कानून, बांग्लादेशी 10 करोड़ मुस्लिम को देश में बसा दिया उनको नागरिकता देने का कानून, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शरिया के अनुसार जो चलता है, इस सब को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। कम से कम हिम्मत करके मध्य प्रदेश में ही कर दो। अरे वो हमारा नहीं था, लेकिन उसने इस खतरे को समझा तो आसाम में वो ये सब इसी काम में लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी विचार करें, ये भी विचार करेंगे। और अब हमको आदरणीय अश्विनी जी को सुनना है, क्योंकि कानून के ज्ञाता वो हैं, मैं तो कानून के बारे में अंगूठा टेक हूँ। कानून के ज्ञाता हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, और निस्वार्थ भाव से देश में हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातनियों को जगाने के लिए, भारत माँ के बेटों को जगाने के लिए वो रात दिन एक करके घूम रहे हैं, अलग जगा रहे हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और मैं इसीलिए पहले आकर के खड़ा हूँ कि अध्यक्ष ये जो कुछ गड़बड़ बोलना है मैं पहले बोल जाता हूँ, और मैं स्वयं भी उनको सुनना चाहूँगा, तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।